रास्ता बिल्कुल ये रास्ता कब्रों को हम हटा के रास्ता बड़ा कर नहीं सकते सर, ये बहुत बड़ा इश्यू है। मतलब मौजूदा हुकूमत भी नहीं कर सकती सर? मौजूदा हुकूमत बिल्कुल कर सकती है, कम से कम जो रास्ता है उसको तो साफ रख सकते हैं ना। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। आगे रोड ही ऐसा है कि यकीन करें ये मोटर बाइकर की भी हिम्मत है, ये बल्कि यहाँ मोटरसाइकिल चलाई नहीं जाती बल्कि मोटरसाइकिल चलाने का मुजाहरा किया जाता है। इस जगह के हालात ऐसे हैं। बहरहाल जन इलेक्शन 2018 में इन्हीं गलियों के हालात सुधारने का वादा किया गया था, आज 4 साल के बाद इस वादे की तकमील में आवाम मुंतजर है और यहाँ के अवामी नुमाइंदगान अपने आप को बेबस साबित कर रहे हैं। मुख्तलिफ राय है 2023 के लिए आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको सर इफ एंड बट्स के अलावा हल करने का कोई रास्ता है तो बताएं ताकि लोग आपको वोट दें 2023। सर मैं जब 4 महीने हुए मुझे इलेक्ट हुए, वॉल्टन रोड का हाल बहुत बुरा था। हाँ। मैंने वॉल्टन रोड का काम शुरू करवाया, वो मुकम्मल हो गया काम, आज वो ट्रैफिक रवाना है। उसके बाद हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मसाइल थे, 4 एक्टिव हो गए हैं, 1 रह गया है। ट्यूबवेल्स यहाँ पे 11 लगे हुए हैं, 11 ट्यूबवेल्स में से सिर्फ 1 इनएक्टिव है, बाकी 10 चल रहे हैं। वो जो इनएक्टिव है वो भी एक आधे दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वो कब्रिस्तान वाला जो आपने रोड बताया है, ये मैं आपको आज यहाँ पे खुशखबरी दे के जा रहा हूँ कि कब्रिस्तान वाला रोड हमने अप्रूव करा दिया है, 22 लाख रुपए का वो मंसूबा है। अच्छा जी, आमिर मुनीर साहब भी कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, और लेकिन ये अकलीत बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज यहाँ पर ये है कि मसले हल होने चाहिए ना सर। मसला वही आपको बताया ना शार भाई ने, कि देखें हम 12 के 12 जीत गए हैं नून के, लेकिन उसके बाद हमें तो लगता है वो दुश्मनी कर रहे हैं हमसे, क्योंकि वो PTI के हैं या उन्हें ये कहा गया है कि इनके आप काम ना करें। आपको पता बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार हमें ये मत सुनाओ कि भाई वो क्या करते हैं, अगर आपके नहीं अहल हैं छोड़ दें। नहीं देखिए, अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते उनकी बातों को, लड़ाई ये लड़नी पड़ेगी। अगर आप लड़ाई नहीं ना लड़ पा रहे अगले, इसका मतलब कामयाब हो रहे हैं, आप तस्लीम कर रहे हैं। नहीं, लड़ रहे हैं उन्हीं की, आपकी और ये आवाम की बात अपने हैं जो पूरे पाकिस्तान को खंडर कर दिया पकड़ के। कौन सी जमात है? PTI और कौन सी है? PTI तो यहाँ है ही नहीं, तो PTI पाकिस्तान में। नवाज शरीफ भाई, 2023 को किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। 2023 को किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। 2023 को किसको वोट देंगे भाई? वजह महंगाई, बेरोजगारी, साड़ी टूटिया सड़कां, आडे महल्ले जो वोट लाने आवे हेलमेट पा के आवे, अंडे मारे गंदे अंडे। सड़क केड़ी सड़क? सोल ने बनवाई सी सड़क। नून लिखो, अगे आ जाओ जी, बेहतर है। नून लिखो, और आप 2023 में किसको वोट देंगे? मैं नून लिखो। अच्छा।